एक बड़ा बचकांडा और एक हमारे श्याम भाई, सॉरी चंचल भाई, हमारे होटल्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। अब अंदर जाएं ना जाएं, अब कहाँ जाएं ये समझ में नहीं आ रहा। ये जिनावर सा बंदा बैठा हुआ, इससे पूछे ये जिनावर सा बैठा हुआ, इससे पूछे क्या कुछ है क्या यहाँ पे? पागल वागल है क्या तू? देख तो ना गाड़ी खड़ी, कार है क्या? वो कार है, खड़ी है भाई, वही देख लेते। सारी महंगी कार, सारी महंगी गाड़ी है, टोटापन से तो सस्ती होगी। ये निकल गया, बच गया अभी भाई साहब, बड़ी स्पीड पे निकला और ये बंदा हल्का सा टोटापन से टच होता और मैं कह रहा हूँ बाहर के भाव बिक जाता है, क्योंकि टोटापन से टोटापन से भाई रात में भटकने की आदत सी हो गई है, दिन में तो टाइम मिलता नहीं है तो रात में ही कहीं निकल लो। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं तफरी मारने और मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ जा रहे हैं दो भाई, एक बड़ा बचकांडा और एक हमारे श्याम भाई, सॉरी चंचल भाई हमारे। ऐसे बेइज्जती से नाम नहीं लेना, इज्जत से नाम लेना, भाई भी रेपुटेटेड बंदे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मेरे से इनको लेके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भैया कुछ तो अहमियत रखते ही होंगे। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं मानेसर। देखो प्लान तो गुड़गांव का था, ठीक है, फिर थोड़ा सा चेंज किया कि चलिए यार मानेसर साइड चलते हैं। अब देखते हैं कहाँ निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, लंबा तो नहीं जा रहे हैं सिर्फ 40-50 किलोमीटर। अब देखते हैं 40-50 किलोमीटर के दायरे में क्या क्या आता है। अभी मैं हूँ बस धोला को क्रॉस किया है मैंने, ठीक है, और जयपुर हाईवे पे हूँ। थोड़ा सा भगाते हैं गाड़ी को, जगह पे पहुंचते क्योंकि अंधेरा है यार, बाहर तो वैसे भी कुछ ज्यादा नजर आने वाला है नहीं, तो पहले जगह पे पहुंचते हैं फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं और देखते हैं क्या क्या उधम मचने वाला है अब। ओ भाई यहाँ पे आने के बाद सच बता रहा हूँ बहुत मजा आता है भाई। एक तो इतना चौड़ा रोड है वे, कम से कम 8-10 गाड़ियां एक साथ चलेंगी बिल्कुल। गाड़ियां क्या मैं कह रहा हूँ, बसें चलेंगी, ट्रक चलेंगे भाई साहब, इतनी सारी लाइन है, मतलब यार रात में ना जिंदगी के मजे ही कुछ अलग हो जाते हैं भाई साहब। अगर लाइफ जीनी है ना तो रात में निकलो, दिन में तो खैर बैंगन ही निकलोगे, काम धंधे पे लगे रहते हैं हम बेलदारू की तरह, ठीक है। अब रात में निकले भैया उधम मचाने के लिए, तो भैया ऐसे रोड पे आने के बाद इसमें बहुत मजा आता है, गाड़ी भगाने में भी और धीरे चलाने में भी। तो अभी हम आ चुके हैं, क्या ये गुड़गांव है क्या? गुड़गांव है ना वो भाई, क्लब और होटल्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। अब अंदर जाएं ना जाएं, अब कहाँ जाएं ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे पीछे भाई हाथ दे रहा था, क्यों ना रोक ही ले, है क्या पता कुछ नया दिखा दे क्या पता कुछ नया मिल जाए, कुछ नया अच्छा मिल जाए तो ठीक है, गलत मिल जाए तो दिक्कत हो जाएगी। पिछली बारी की तरह पिछली गाड़ी पीछे भगानी पड़ेगी तो वो गलत हो जाएगा हमारे साथ में। तो देखते हैं आगे, अभी फिलहाल थोड़ा सा और खींचते हैं, वैसे तो खैर क्या ही खींचेंगे। अब आ गया जगह, जगह तो यही बढ़िया लग रही है भाई, देखो अगर मस्ती मार रहे तो यही मार लो, और तो खैर कहीं जाओगे। देखो घूम रहे लोग, कपल्स घूम रहे हैं यहाँ पे, अब बाकी ठीक है जो भी घूम रहे हैं। अब यार किसी से पूछे क्या, कोई बैंगन से शकल का दिख जाए तो उससे पूछो जरा क्या कुछ है क्या यहाँ पे, कुछ है नहीं है वो। बाकी ये देखो टाइम, देखो 12:53 एक बज रहा है भाई, एक और एक बजे भी इन लोगों को चर्बियां छा रही है, देखो कोई टिक्के राजी ना हो रहा, ठीक है। 7-8 बज रहे हैं, वही वाली फीलिंग आ रही है। ये देखो फुल चकना पकना लेके जा रहा है भाई, खैर ले आन दो इसे, हमें क्या लेना देना। बाकी यार ठीक ही लग रहा, ये पूरा होटल एरिया है भाई, क्लब व्लब सब कुछ होंगे यहाँ पे, है ना। रोका जाए पर रोके कहाँ, कोई रुक तो नहीं रहा। वो अच्छा खासा वो हाथ दिखा रहा था, ये जिनावर सा बंदा बैठा हुआ, इससे पूछे ये जिनावर सा बैठा हुआ, इससे पूछे क्या कुछ है क्या यहाँ पे नया, हाँ पूछे क्या इससे, पूछे इससे भाई से, वो लाइट ले भाई जरा। 5 minutes later तो भाई लोग, भाई ने बताया कि यहाँ से है ना ये होटल वोटल देखो बाहर से, ठीक है, और चुपचाप है ना निकल लो यहाँ पे ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, ठीक है। अनसेंट चीजें बता रहा था भाई, ठीक है, भाई से तो पता नहीं वो क्या 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 बातें कर रहा था, ठीक है भाई, उसको मैंने जैसे कि बताया ना भाई हमारा रशियन जैसा लगता है, तो वो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं फोन नीचे रख देता हूँ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो आप, कुछ रिकॉर्ड हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं है। भाई ये कह रहा कि भाई यहाँ आपको बैंगन नहीं मिलेगा, जो भी चाहिए आपको आगे चले जाओ। तो अभी फिलहाल यही सोच रहे हैं भाई कि या तो गाड़ी घुमा ले, हाँ गली नंबर एक यही होगी, गली नंबर एक मतलब या तो हम गाड़ी घुमा ले और या फिर बंद कर दे भाई, ऐसी चल रहा है, ठीक है। अब भीड़ तो यहाँ लगी हुई है, मेरे हिसाब से यहाँ पे भाई सिर्फ
वो जो बार बार होते ना क्लब व्लब वही है भाई यहाँ पे, बाकी कुछ ना दिख रहा मुझे तो, फिर निकालने में ही ज्यादा बढ़िया समझ में आ रही है यहाँ पे। खाम का कोई भसड़ वसड़ हो जाएगी और वो मैं चाहता नहीं। लंच डिनर चौबीस घंटे क्या है, कुछ होगा बार बार चल रहा है क्या अंदर? नहीं यार रहने दो यार, बार बार की क्या ही रह गई है, उम्र उम्र नहीं है ना बार बार वाली तुम्हारी, मेरी तो चलो मैं चला लूंगा, तुम्हारी उम्र नहीं है ना। तो अभी क्या हुआ है ना, अब वहां से हमने निकाल लिया यार, अब क्या ही करते हैं वहां पे, वहां पे कुछ था भी नहीं, बार बार में जा नहीं सकते ठीक है। वहां पे फिर एक तो या तो वो कपल एंट्री का पंगा होता है या फिर वही वहां दारू वारू पियो, और हम में से ऐसा कोई है नहीं जो पीने वाला हो ठीक है, तो वापिस जाके कोई फायदा नहीं था। डिस्क विस्क में जाते तो भी कुछ ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, वही कपल्स वाला पंगा, अकेले जाओगे तो पता है ना, छड़े लोगों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलती कहीं भी ठीक है। अरे बैचलर्स को तो घर ना मिलता तो क्लब में एंट्री कहाँ से मिल जाएगी, तो बस वही वाला पंगा। इसलिए अब हमने सोचा है भैया चुपचाप जा रहे हम किसी भी अच्छे ढाबे पे रुकेंगे और चाय वाय पियेंगे बढ़िया सी, कुछ खाएंगे पियेंगे और वहां से फिर निकल लेंगे चुपचाप ठीक है ना। अब यहाँ क्या पंगा हो गया यार, ये कहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, ट्रैफिक लगेगा अगर लेनी है बैग तो ले लियो, हैं लंबा ट्रैफिक लगेगा भाई, घुमा ले फिर गाड़ी कोई बात नहीं, घुमा ही ले क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना, अगर लंबा ही लगेगा तो फिर बेनिफिट नहीं बन रहा, और अब मुझे लग रहा है घुमा के भी कोई फायदा नहीं है, पीछे से हमें घेर लिया, देख घूमेगी नहीं ट्रक लगा, घूमेगी नहीं पागल वागल है क्या तू, देख तो ना गाड़ी खड़ी है बाढ़ दी तूने, अरे घूम जाएगी देख, जा तो रही है गाड़ी है यार, जा रही है, चलते हैं देखते हैं कहाँ तक जाएगी, पर यार अगर फंस गए तो दिक्कत जाएगी आगे तक है ट्रैफिक भाई, हैं हाँ क्योंकि जब ये घुमा रहे बंदे गाड़ी उससे ही अंदाजा लग जाएगा कि लंबा चौड़ा है भाई, मुझे ना लग रहा आज हम कहीं भी जा पाएंगे, आज तो पोपटी हो गया भाई, सब गाड़िया घुमा रहे हैं, सब गाड़िया कोई कहाँ से बाढ़ रहा, कोई बच गई उसको नहीं कर देता वो स्कॉर्पियो का फॉर्च्यूनर वाला, अरे निकाल ले भाई देख क्या रहा हमारे, ये देखो इतना बड़ा गड्ढा दिख रहा है, वो फॉर्च्यूनर का टायर फंसते फंसते बच गया, बंदे ने बस थोड़ी सी काट दी नहीं तो उसकी रात यही कट जाती। चल भाई चल, अब वो आगे लगे है अड़ा है गड्ढा बड्ढा तो ना है, ओहो ओहो यार टोटा पंच का फायदा तो है वे, टोटा पंच को कहीं से भी बाड़ दो कहीं भी निकाल दो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती भाई, इसका रास्ता है ना रॉन्ग साइड नहीं है, हाँ सही कह रहा, यहाँ से लेके उसके ऊपर चढ़ानी पड़ेगी, लग तो कुछ ऐसा ही रहा, चढ़ा दूँ क्या बाहर से का, ओहो बंद पड़ा, गलती हो गई, क्या बंद पड़ा, अरे पीछे से ले लेते ना वो देख रास्ता देख रहा, बैरिकेडिंग बंद कर रखी है ना पूरी, कार है क्या वो, कार है खड़ी है भाई वही देख लेते, सारी महंगी कार, सारी महंगी गाड़ी है, टोटा बंद से तो सस्ती हो गई, टायरों के बराबर, टायरों की भी बराबर, क्यों करवाएंगे यार, हम सर्विस ही नहीं कराएंगे, हम खड़ी रखेंगे, पर यार कोई तुक नहीं बनता यार, मतलब बच गया अभी भाई साहब, बड़ी स्पीड में निकला और ये बंदा हल्का सा टोटापन से टच होता और मैं कह रहा हूँ बाहर के भाव बिक जाता है, क्योंकि टोटापन तो टोटापन से, टोटापन के तो कुछ होता नहीं, इसकी धन्नो पूछ जाती आज इसके हमारा तो इंश्योरेंस है, मैं कह रहा हूँ टोटापन से भाई वो भाई इस गाड़ी में कुछ हो नहीं सकता, टोटापन से अगर मैं कह रहा हूँ इंजन देखा इंजन ट्रेन का इंजन ट्रेन का इंजन भाई साहब उससे ज्यादा जाना है इसमें, वो बंदा हल्का टच करता रहा मेरे से लिख के ले लो, इसके 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 हल्का सा बस हल्का सा मैं कह रहा हूँ हल्का डेंट भी नहीं आता और उसके ना भाई साहब उसकी पूरी गाड़ी खत्म हो जाती, और टायर इसमें ट्रेन के इसमें प्लेन के टायर है, जाती इसमें इसमें पेट्रोल नहीं आता, इसके अंदर आता है वो एरोप्लेन का इंजन कौन सा होता है वो आता है उसका अंदर एरोप्लेन का वो आता है वो क्या होता है वो ऑयल वो आता है इसके अंदर अलग वाला क्या बकवास कर रहे हैं, कहाँ ही पहुंच गए यार, कुछ खाने को तो मिला नहीं, पेट्रोल पी ले पेट्रोल पंप आ गया, वही मिलेगा अब तो क्या ही मिलेगा यार, विकास पॉलिसी बैंगन मिलेगा, वहाँ कुछ ना है भाई आगे भी कुछ ना लग रहा, चढ़ा दूँ वापस हाईवे पे ऊपर है ना,
कोई तुक नहीं बनना नीचे यार, क्या ही बोलना अभी इतनी देर। ओ भाई ओ, वैसे तो क्या टोटा पंचर निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डेढ़ दो घंटे, दो घंटे हो गए हमें, दो घंटे से हम यही देख रहे हैं, कुछ मिल जाए तो मिल जाए तो मिल जाए तो कुछ मिल ही ना था। परेशान हो गए यार अब तो, अब तो ऐसा लग रहा है भाई चुपचाप घर जाने में फायदा है। ठीक है भाई, पता नहीं कौन सी सांस मार के लाया अपने पैसों के ऊपर। ठीक है, और आज ये था कि जो भी खाने का खर्चा होगा ना वो भाई करेगा। ठीक है, भाई की एक पेमेंट मिल गई, आगे से किसी को भाई पैसे दे रखे होंगे उसके मिल गए, तो भाई ने कहा चल मैं खिला दूंगा भाई आज, कोई बात नहीं। ऐसी सांस मार के लाया पैसे, या तो ये सांस मार के खिलाने की सोची होगी, या वो बंदा जो देकर गया वो सांस मार के लाया होगा। भाई साहब कुछ ना मिल रहा, वहां एरो सिटी गए वो रास्ता भूल गए, आगे से कोई रास्ता नहीं भाई साहब, वो कम से कम 5-10 किलोमीटर आगे जाओ। ठीक है, बंदी हो गया होगा 1-1:30 बजे, क्या ही खुला रहेगा यार उसमें, बड़े हम जैसे बैठे हुए पकलाइट। ठीक है, मानेसर जाने की सोची, चलो आगे जाएंगे ढाबे आए मैंने कुछ खा कर आएंगे, वो लो बेड़ा गर्क हो गया वहां पे जाम। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ मिलता नहीं मिलता, भाई साहब खा के तो जाएंगे, भाई के पैसे तो लगाएंगे चाहे कुछ हो जाए। तो भाई लोग वापस आ चुके हैं घर। ठीक है, अब जो सोच के गए थे ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ, सारा पोपट हो गया भैया। अब भाई को उतारेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी निकल जाएंगे। दिमाग खराब हो गया यार, मतलब जो सोचा था ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बस जैसा भी है जो भी है देख लेना, अच्छा लगे तो ही बता देना, बुरा लगे तो ही बता देना। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। अभी के लिए बाय बाय।